हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक पर, ऐसे विषय पर जिस पर बहुत सालों से बात होती रही है, और आज़ादी के बाद तो उस पर बहुत अधिक चर्चा रही है उस विषय पर, और एट प्रेजेंट बहुत वाद विवाद उस विषय पर हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारतीय किसानों की। अभी हाल ही में सरकार ने कुछ अध्यादेश दिए हैं, कुछ प्रस्ताव पास किए हैं, और अगर उन प्रस्तावों का मोटा मोटा मैं एक लाइन में बोलूं तो उनका यही मीनिंग है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, मैं एग्री करता हूं इस प्रस्ताव से, हम मान लेते हैं किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन मैं इसी विषय के दूसरे पहलू की बात करना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए आपकी एक फर्म है और आप ये पेन बनाते हैं, आपकी फर्म है, रिसोर्सेस आपके लगे, पैसा आपका लगा, और इस पेन की प्राइस डिसाइड मैं करूंगा। देखिए कितनी विचित्र बात है ना, पैसा आपका लगता है, रिसोर्सेस आपके लगते हैं, और उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन मैं करूंगा, और मैं कहता हूं कि ये पेन है, इसकी प्राइस है वो 20 रुपए है, और आपको मार्केट में ये पेन है वो 20 रुपए का ही बेचना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? क्या आप इससे एग्री करेंगे? क्या मेरे द्वारा डिसाइड की गई प्राइस को आप मान लेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी एवरेज कॉस्ट क्या आई है, उस एवरेज कॉस्ट पर आप अपना मार्जिन रखकर फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में भेजते हैं बिकने के लिए। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी प्रोडक्ट है उसको उसको खरीदिए प्रोडक्ट को, क्या आप ये कह सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि मैं तो इतने पैसे दूंगा इस प्रोडक्ट के, या मैं इतने पैसे दूंगी? हाँ ठीक है, आप बार्गेनिंग करते हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन वो शॉपकीपर भी और वो फर्म वाला भी बार्गेनिंग के बाद भी उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पर कभी नहीं देता जिस पर उसकी कॉस्ट पूरी ना होती। यानी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि जब फार्मर प्रोडक्ट बनाता है, मेहनत उसकी लगती है, पैसा उसका लगता है, काम सारा वो करता है, तो फिर उसके प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने वाली ये सरकार कौन होती है, या ये व्यापारी कौन होते हैं जो उसके प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करेंगे? पैसा उसका लगा, काम उसने किया, पूरे साल वो खेत में काम करता है, पूरे साल मेहनत करता है, किसी भी समारोह में शामिल वो नहीं हो सकता, कुछ अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पी नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली सरकार कह देती है कि हम तो आपके प्रोडक्ट की ये प्राइस स्पॉट प्राइस डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअल में स्पॉट प्राइस है ना, ये भी एक ढकोसला है। किस चीज की समर्थन कीमत देते हैं? प्रोड्यूसर वो है, आप समर्थन कीमत देते हैं, और समर्थन कीमत देनी है तो पूरी दीजिए ना, पहले पता तो करिए उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, और उस पर मार्जिन देके फिर आप स्पॉट प्राइस डिटरमाइन करिए। आपने तो सीधा कह दिया कि व्यापारी खरीद लेंगे, ठीक है व्यापारी खरीद लेंगे, व्यापारी खरीद लेंगे, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं, किसानों को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन किसानों को उसके प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने का अधिकार दे दीजिए। क्यों नहीं कर सकता वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन? किस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप उसकी? क्या इस मजबूरी का कि किसान के जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल गुड्स है, वो नाशवान वस्तुएं हैं, वो उनको स्टॉक नहीं कर सकता? या इस मजबूरी का कि वो उसको इसलिए स्टॉक नहीं कर सकता क्योंकि उस पर कर्जा है और वो लंबे टाइम तक उस प्रोडक्ट को रोक नहीं सकता? इस मजबूरी का फायदा ये व्यापारी उठाते हैं और उसके प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस पर ले लेते हैं। क्यों नहीं बिकना चाहिए किसान का गेहूं 50 रुपए किलो? मैं कहता हूं 50 रुपए किलो बिकना चाहिए किसान का गेहूं। अब आप कहेंगे कि अगर 50 रुपए किलो गेहूं बिकता है तो फिर कंज्यूमर तक तो बहुत हाई प्राइस में जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि कंज्यूमर तक बहुत हाई प्राइस में जाएगा ये। यहां सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रोडक्ट को सब्सिडाइज्ड करे, ले किसानों से, स्पॉट प्राइस देनी है ना आपको, दीजिए स्पॉट प्राइस 50 रुपए दीजिए, खरीदिए किसान से 50 रुपए किलो और बेचिए ना जनता को 15 रुपए किलो के हिसाब से, कंज्यूमर तक पहुंचाइए 15 रुपए किलो, 35 रुपए दीजिए सब्सिडी। आप समझेंगे कि बड़ी मूर्खता की बात हो रही है, 35 रुपए सब्सिडी किसान कैसे, भारत सरकार कैसे देगी? क्यों नहीं देते सरकार? पैसा कहां से आएगा? क्वेश्चन यही है ना, पैसा कहां से आएगा? बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट पे करते हैं,
एक बार गूगल करके देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का टैक्स अमाउंट कितना है, लाखों करोड़ों रुपए, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए, और इससे पहले तो और भी था, आगे और भी होना है। इन फालतू की स्कीम्स पर ये पैसा लगाना बंद कर दीजिए। बहुत सारी फालतू की स्कीम चल रही है, बहुत सारी अनप्रोडक्टिव स्कीम चल रही है, सरकार ये अनप्रोडक्टिव स्कीम्स बंद कर दे और उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दे। क्यों वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हमारे नेताओं को, मैं इस बात को कहते हुए माफी चाहूंगा, लेकिन से लेके एमएलए और सरपंच तक किस बात की सैलरी, इतने लाखों रुपए डेली के इन पर खर्च किस बात की। ये एमएलए एमपी जब वोट मांगने आते हैं तब हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, एक मौका दीजिए। अरे बड़े बढ़िया हैं आप तो, पैसा लेके सेवा करते हैं, पहले आपको अच्छी खासी सैलरी चाहिए, फिर आपको अच्छे खासे भत्ते चाहिए, आपका आपका घर का खर्चा वो टैक्स के पैसे पर, आपके फोन का बिल टैक्स के पैसे पर, आपका इधर उधर जाना वो टैक्स के पैसे पर, आपकी रेल यात्रा फ्री टैक्स के पैसे पर, आपकी बस में यात्रा फ्री टैक्स के पैसे पर, और किसान का गेहूं 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, क्यों भाई? देश का अन्नदाता कहते हो ना उसको, तो फिर उस अन्न की प्राइस, उस अन्न की कीमत भी लगाने दीजिए उसको। ये ध्यान रखिए, अगर उसने ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया और कम कर दिया, हालांकि उसकी मजबूरी है वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया या प्रोडक्ट बनाना कम कर दिया, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो पहले थे उनको एक बार अपील करनी पड़ी थी कि एक दिन का व्रत कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहां अनाज की कमी है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह अपील करनी पड़ जाए कि डाइटिंग पर जाइए, खाना कम खाइए, हमारे देश में अनाज की कमी है, थोड़ा सा सुधर जाइए, ठीक कर लीजिए सिस्टम को, जहां पैसा वेस्ट हो रहा है उस चीज को बचाइए और ये पैसा कहीं और लगाइए। अध्यादेश लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, सब ठीक है, किसानों के हित के लिए सब ठीक है, लेकिन उसके प्रोडक्ट की प्राइस तो डिटरमाइन करने दीजिए ना उसको। मैं तो ये कह रहा हूं उसके प्रोडक्ट की प्राइस उसको खुद डिटरमाइन करने दीजिए कि मेरा इतना कॉस्ट लगी है और इस कॉस्ट पर मुझे इतना मार्जिन चाहिए, और इतने मार्जिन के बाद मैं अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस पर बेचने को तैयार हूं, उस प्राइस पर गवर्नमेंट खरीदने के लिए बाध्य हो। अगर सरकार इतना किसान हितैषी बनती है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एनी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ भारत सरकार की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर भारत सरकार इतना किसान हितैषी बनती है, कोई भी सरकार, तो वो रियल में किसानों का हित करे, गरीबी मिटाएंगे, किसानों को हम ऊपर लेके आएंगे। अरे 75 साल से कह रहे हैं हम गरीबी मिटाएंगे, क्या आपके वोट बैंक का नारा बन गया नहीं, गरीबी मिटाएंगे, किसानों को ऊपर लेके आएंगे? हर बार आप कह देते हैं किसानों का हित करेंगे, कौन सा हित कर रहे हैं आप? वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस तक डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, कौन से हित की बात कर रहे हैं आप? कितनी प्राइस पर बिकेगा, वो तो फसल की बिजाई करते ही उसको यह भी नहीं पता कि कितनी फसल होगी, और जब फसल हो भी गई, अगर भगवान ने उसको 80 फसल दी भी, तो भी उस फसल से कितना अमाउंट उसके पास आने वाला है ये वो डिटरमाइन नहीं कर सकता। ये देश की सरकार करेगी या व्यापारी लोग करेंगे कि कितना पैसा उस किसान को मिलना चाहिए। बहुत पैसा है देश में, बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट आता है, इतने सारे वीवीआईपीज हैं, सैलरी काट दीजिए, कम कर दीजिए सैलरी, किस बात की सैलरी, ठीक है उतना दीजिए जितना जीवन निर्वाह हो सके, अच्छा है दीजिए, देना भी चाहिए उनको, क्योंकि भूखे पेट देश की सेवा नहीं होती है, तो उतना दीजिए जिनसे उनका काम चल सके, लेकिन फोन के खर्चे किस लिए भाई, गाड़ियों के खर्चे किस लिए, एक अपने पर्सनल काम के लिए भी जाते हैं तो भी सरकारी गाड़ी लेके जाते हैं, किस लिए खर्चे, हर जगह यात्रा फ्री किस लिए फ्री, ये सारे खर्चे इनमें डिडक्शन कीजिए, बहुत पैसा बचेगा। और ऐसी फालतू की जो योजनाएं चल रही है ना कि दिन में गड्ढे खुदवाते हैं और 10 दिन बाद जब वो गड्ढे वापस भर जाते हैं तो उनको दोबारा खुदवाते हैं फिर वो गड्ढे, और 12 बजे तक काम करवा के 200-300 रुपए आप उनको दे देते हैं, इन फालतू की योजनाओं का ना, ये बहुत पैसा खा लिया सब लोगों ने, ऊपर से नीचे तक सब लोगों ने बहुत पैसा खा लिया। इन योजनाओं को सुधार लीजिए, इन योजनाओं को बंद कर दीजिए, और वो पैसा ऐसे प्रोडक्टिव काम पर लगाइए कि देश का विकास हो सके। और अगर गरीबी को मिटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाना है, तो जो लोग काम पर लगे हुए हैं ना, पहले ये फार्मर्स काम पर लगे हुए हैं ना, लगभग 60%
हमारा हमारा देश है वो 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, इनका इंप्लॉयमेंट मत छीनिए। इन लोगों ने अगर प्रोडक्ट बनाना कम कर दिया तो बहुत बड़ी समस्या आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कंट्री में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए जो भी बिल, जो भी प्रस्ताव आए वो अच्छी बात है, आने भी चाहिए, समय समय पर परिवर्तन होने भी चाहिए, लेकिन उनके प्रोडक्ट को की प्राइस डिटरमाइन करने का अधिकार उनको दिया जाए। इस पैन की प्राइस डिटरमाइन करने का अधिकार अगर इस पैन की फर्म को है तो उस गेहूं की प्राइस को डिटरमाइन करने का अधिकार भी उस किसान के पास होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।